नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। नई दिल्ली डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2019 लॉन्च होने के दूसरे दिन भी लोग बहुत परेशान हुए। हालांकि परेशानी के बीच भी 3000 से अधिक आवेदन डीडीए को मिल गए। सबसे अधिक आवेदन एचडीएफसी बैंक के लिंक से मिले हैं। इसकी वजह यह है कि इस बैंक के लिंक ने सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया था। ज्यादातर बैंकों के लिंक ने दूसरे दिन भी काम नहीं किया। नहीं मिल रहे बैंकों के लिंक्स, डीडीए ने 18,000 फ्लैट्स की स्कीम में आवेदन के लिए लोगों को 25 मार्च से 10 मई तक का समय दिया गया है। डीडीए के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया सकता है। ऑनलाइन फॉर्म 13 बैंकों की वेबसाइट पर मौजूद है। इस बार एक और समस्या यह भी आ रही है कि बैंक की वेबसाइट पर लोगों को लिंक नहीं मिल रहा। डीडीएस की वेबसाइट्स पर बैंकों के लिंक्स, डीडीए की वेबसाइट से ही बैंकों के इन लिंक्स तक पहुंचा जा सकता है। इससे कई लोग गुमराह हो रहे हैं। वो बैंकों की साइट्स पर लिंक ढूंढ रहे हैं। मंगलवार शाम तक 13 में से सिर्फ 4 बैंकों के लिंक काम कर रहे थे। 6 बैंकों के लिंक कभी खुल रहे थे तो कभी नहीं। कुछ लोगों के फॉर्म भरने के बाद सबमिट ही नहीं हुए। एसबीआई, सिंडिकेट और कॉरपोरेशन बैंक के लिंक अभी तक नहीं खुल पाए हैं। 3000 आवेदन मिले। डीडीए के मुताबिक शाम करीब 5:45 बजे तक 3000 से अधिक फॉर्म मिल चुके थे। इनमें से करीब 2100 आवेदन सिर्फ एचडीएफसी बैंक से मिले हैं। वहीं अब लोग बैंकों से इस हाउसिंग स्कीम के लिए लोन स्कीम आने का इंतजार भी कर रहे हैं। बैंकों के अनुसार हर बार आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। इस बार 3 महीने का वक्त दिया गया है, इसलिए हम तैयारी के साथ स्कीम लाएंगे। फिलहाल बैंक इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसे करें अप्लाई एक www.da.org.in के होम पेज में हॉट लिंक्स पर क्लिक करने पर डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 लिखा दिखाई देगा। इसे क्लिक करने के बाद एक विंडो दो खुलेगी। इस पर 13 बैंकों के नाम होंगे। इनमें से किसी भी बैंक पर क्लिक कर स्कीम की जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 3 आवेदक को स्कीम के तहत फ्लैट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी भी देनी होगी। यह 1 से 2 लाख रुपए तक है। अगर 1 से अधिक कैटेगरी के लिए आवेदक प्राथमिकता दे रहा है तो उसे ऊंची कैटेगरी वाले फ्लैट की एप्लीकेशन फी देनी होगी। ड्रॉ के बाद ये डॉक्यूमेंट्स 1 सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, 2 पहचान पत्र के तौर पर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र, इलेक्शन आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त राशन कार्ड और आधार कार्ड। 3 एड्रेस प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अन्य यूटिलिटी बिल, हाउस टैक्स की रसीद, बैंक की पासबुक आदि दी जा सकती है। 4 अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन किया है तो इनकम प्रूफ देना होगा जो संबंधित एसडीएम तहसीलदार से जारी किया गया हो।